आओ बेटे, मेहमानों को चाय दे दो। कैसी लगी? पसंद आई? मुझे क्यों पसंद आएंगी? मेरी फ्यूचर भाभी हैं, ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता भैया। तो तुम आगे चलकर भी मत देखना, तुम देखो या मैं देखूं एक ही बात है, आखिर तुम्हारा और मेरा खून एक ही है ना। लड़का थोड़ा शर्माता है। नहीं बेटा, मैं सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए तो छोटे भाइयों ने जल्दी शादी कर ली। मेरी बेटी से बात करनी है तो कर सकते हो। हाँ जरूर, आज के जमाने में ये सब करना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। चंद्रन जाके बात करो। जाओ भैया, बात करके आओ ना। तुम ही बात कर लेना। तुम और मैं आखिर एक ही खून है ना, तो तुम बात कर लेना भैया। जाओ जाओ बात करो, जाओ जाओ। चाची वो लोग आ रहे हैं। क्या हुआ, पसंद कर लिया? कुछ नहीं बोला। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया? बहुत लॉन्ग है। क्या कहा, लॉन्ग है? ओ, उन्हें लंबी लगी है क्या? अरे लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत दूर है, लंबा सफर है, वही बोल रहा हूँ। ये क्या बात हो गई, लड़की अबू धाबी में तो नहीं है ना? तुम हमें परेशान मत करो, बात क्या है? बताता हूँ। गणेशन इधर आओ, बताओ तुम्हें पसंद आई? अरे मुझे देखो अम्मा, मामी, हम लोग वहाँ पे भैया के लिए लड़की देखने गए थे, मेरे लिए नहीं। ना, ये सब सफाई तुम मत दो, मेरे सवाल का जवाब दो बस। तुम्हें पसंद आई? ऐसे पूछोगे तो लड़की दिखने में सुंदर है, एजुकेटेड भी है काफी, और मामी ने बताया था अच्छे खानदान की भी है। उसने एक और बात बताई जो मामा जी ने नहीं बताई, उसकी उम्र। वो क्या है? वो अगले जून में 20 साल। बेटा इधर आओ, आओ। माँ इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी वो 18 साल की होने वाली है। तो दोनों में कितना अंतर हुआ? 2 साल ना। ये मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी जितनी बड़ी लड़की से शादी करा के मुझसे क्यों गलत काम कराओगे आप? उन लोगों को अगर ये मंजूर है तो फिर उसकी मर्जी नहीं है मामा जी, अपने आप की मर्जी होनी चाहिए, अपने दिल की मर्जी। दुनिया में कोई भी शादी कभी भी मंडप में नहीं होती, दिल में होती है, शादी करने वाले लड़के लड़की के दिल में। अगर दिल में कुछ भी नहीं हो रहा तो शादी ना करना ही अच्छा रहेगा। हे भगवान। अरे अब ये बात बोल के भगवान को पुकार के परेशान मत कीजिए, झूठ बोलकर आंसू बहाकर ही तो मुझे यहाँ तक लेकर आए। अब आ गया हूँ तो शादी करके ही वापस जाऊंगा। लेकिन एक बात, मैं 41 साल का हो गया हूँ, शादी के लिए लड़की मुझसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल छोटी होनी चाहिए बस। कहीं भी ढूंढिए, कैसी भी लड़की ढूंढिए, लेकिन एक डिमांड है। बताओ। लड़की देखने जाने से पहले लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र मुझे देना पड़ेगा। वो मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ। पर फोटो स्टेट नहीं जीजा जी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। SSLC की थर्ड कॉपी है, चलेगी? हाँ, क्या? वो भी चलेगा, लेकिन जरूर चाहिए, समझ गए? सब बढ़िया होगा। माधवन लॉकअप के लिए? लॉकअप के लिए? अरे कटहल ऑटो लेके आ रहा है क्या? तुम उतर जाओ बेटी। आराम से, आराम से। कितने हुए लड़के? 35। सिर्फ हम दोनों ही थे, तुम्हारे इस डब्बे में बैठे थे। सिर्फ आप दोनों नहीं, साथ में कटहल का पूरा पेड़ भी। हाँ, है। तो निकलो यहाँ से। आप एग्रीकल्चर से? बकवास करेगा तू? अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। नहीं मैं चकंदन से आ रही हूँ, चंदन की मामी हूँ। इसलिए कटहल लेके आ रहे हो? जब वो बहुत छोटा था तब से चकंथरा के कटहल चंदन की वीकनेस है। ये कौन सा वीकनेस है? हाँ जी चंदन का है, नाम है नीलिमा। तो फिर इसका नाम उजाला रखते है? नीलू। हाँ, क्या है? तुम गल्फ से आए हो? गल्फ से हैं? थोड़ा समय दीजिए, मैं वहाँ का शेख बनूंगा। सच में? तो फिर तुम ही ऑटो का किराया दे देना। थैंक यू शेख भैया। अरे बाप रे, चकंथरा की मम्मी आने में लेट क्यों हो गई? क्या बोले लक्ष्मी दीदी, जब से इसे पता चला कि चंद्रन आ गया है तब से मुझे चंद्रन को देखना है, मुझे चंद्रन को देखना है बोल के दिमाग खराब कर रही है। लेकिन क्या करें, ये कटहल भी तो पकना चाहिए ना। चंद्रन कहाँ है? देखो वहाँ है।
अरे मामी, अरे ये क्या हो गया है तुझे मेरे बच्चे, तू बहुत पतला हो गया है। तुम क्या कर रही हो, पहली बार देख रही हो क्या? ये मीठी कटहल चंद्रन को दे दो ना। सुन, ये तुझे देख रही है या मुझे देख रही है? वो हम दोनों को नहीं, अपने फ्यूचर को देख रही है भैया। अरे तू देख क्या रहे हो, उसके हाथ से कटल लो ना। अरे नहीं भैया, वो आपका कटल है, मेरा नहीं। छोटे भाई को मिले, बड़े भाई को मिले, एक ही बात है। क्या कर रहे हो? जाओ नीली माँ, तुम वो कटल इसको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो ना। तुम जाओ, तुम इधर आओ। मुझे एक बात बताओ, दिखने में सुंदर हो, बहुत सारा पैसा भी है, फिर भी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ के इस कोमल चेहरे को क्यों धूप में खराब कर रहे हो? वो तो मामी मैं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था। क्या कहा था तुमने? हाँ बताया तो था, जब नीलिमा जी हमारे सामने है यहाँ पे, तो कोई और लड़की देखने की क्या जरूरत है? तो आपने क्या बोला कि मामी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब देखो क्या हो गया, भगवान ने उसी को आपके सामने भेज दिया। इतनी विशाल दिल की मामी और इतनी विशाल उनकी बेटी, ये कहाँ मिलेगी भैया आपको? अरे आप यहाँ पे आइए भैया, भाभी सामने खड़े होंगे। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है, इस साल का स्टार कपल का मातृभूमि मल्टीमिक्स अवार्ड आप दोनों को ही जाएगा। देखो बेटा, ऐसे ही बोलते रहोगे तो मेरे हाथ से अवार्ड खाओगे। अच्छा मामी, एक काम करते हैं, बहुत जल्द हम इसकी शादी फिक्स करते हैं, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरे वापस जाने से पहले इसके लिए एक लड़का ढूंढ लीजिए। सुनो, उसकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मामी मूड ऑफ मत करो, जब सब लोग एक जगह आ जाते हैं तो सब अच्छा ही होता है। ओके। हेलो भैया, मैं शिवन बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हमारे स्कूल के बच्चे के मिड डे मील में कुछ गड़बड़ था। गड़बड़? हाँ, मैं अब मिशन हॉस्पिटल से कॉल कर रहा हूँ, भैया तुरंत यहाँ आ जाइए। हाँ ओके, मैं आता हूँ। हेलो, ओके डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो चावल में थोड़ा फंगस था, वो खाने के बाद बच्चों का पेट खराब हो गया, बस उतना ही, ये फूड पॉइजनिंग नहीं है। सारे बच्चों को पेट क्लीन करने के लिए दवाई दी है, डॉक्टर से अभी बात हुई, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, जो स्कूल चंदन चला रहा है उस पर कोई शक ही नहीं है। जब हम लोग सुने कि बच्चों को लूज मोशन और उल्टी हो रहा है, बस क्या हुआ ये जानने के लिए आए हम। क्या हुआ सेतु माधवना? पूरा महिल चंद्रन का ये फ्री स्कूल में कुछ अजीब खबर सुनने को आ रहा है। वो पूछने